सभी को 2011 के नियमावली के तहत जांच करानी होगी और जांच में जो सफल पाए जाएंगे उन्हीं को संवर्धना दी जाएगी और नामांकन की अनुमति दी जाएगी, जिसका सीट निर्धारण है प्रत्येक संकाय 40, जबकि 92 और 94 एक्ट के तहत हमें सीट का निर्धारण था 384 और नए नियमावली में ऐसे ऐसे कुछ शर्त आए थे जिसे पुराने कॉलेज पूरा नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में जो महाविद्यालय उसके आदेश का पालन किया तो 461 कॉलेज को पिछले साल उन्होंने अनुमति दे दिया नामांकन का, हमारे महाविद्यालय को भी वंचित कर दिया। हमारे महाविद्यालय के साथ साथ 138 कॉलेज को जो उनके शर्त को नहीं माना उन्हें नामांकन देने से वंचित कर दिया। तो हमारा एक यूनियन है अनुदान नहीं वेतन मान फॉर्म, जिसके प्रधान संरक्षक बिहार के हम हैं, तो हम लोगों ने पूरे बिहार से 16 कॉलेज मिलकर हाई कोर्ट में क्रेडिट याचिका दायर किया, जिसमें हमारा जीएम कॉलेज भी शामिल था। पिछले साल जुलाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश आया जिसमें हम लोग जीत हुई, बोर्ड हार गया। उन्होंने कहा कि जितना भी इनका लेटर निकला है 2011 का नियमावली का, सभी पत्र को हम निरस्त करते हैं और इनको टाइम देते हैं कि 31 अगस्त तक ये कोर्ट के आदेश का अनुपालन करें। लेकिन बिहार बोर्ड ने अनुपालन न करते हुए एलपीए में चला गया और एलपीए में जाने के बाद उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाला कि एलपीए में जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। हम लोगों ने हार नहीं मानी, एलपीए भी लड़ाई लड़ी है। अभी एलपीए का जजमेंट 2 महीने पहले आया, ये सब है, उसमें सरकार हार गई। हारने के बाद अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, जिसको लेकर प्रधान सचिव से लेकर निदेशक से लेकर सचिव से सबसे हम लोग की वार्ता हुई, बात हुई, गर्मा गर्मी हुई, जो भी होता है। और हम लोग अवमानना भी है, तो अवमानना को हम लोग मेंशन कराने गए तो चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील को लथाड़ा कि अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है जो एलपीए में आदेश हुआ है। तभी आनंद फानंद में 17 तारीख से सभी लोगों को बिहार में जितने 138 कॉलेज वंचित रह गए थे सबका नाम पोर्टल पर आ गया। चूँकि हमारा कॉलेज एक माइनॉरिटी संस्था है और हमारे यहाँ ऑफलाइन नामांकन होता है, इसलिए हमको पत्र दिया है जिस पत्र के आलोक में हम अपना नामांकन यहाँ प्रारंभ कर देंगे। ये जो आया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आया है और माननीय उच्च न्यायालय आदेश जो दिया है उसमें ये भी दिया है जो 2014 से हमारा अनुदान बाकी है, उन्होंने पूछा है बाकी क्यों है, अगर बाकी है तो एक मुश्त अनुदान सभी को दिया जाए, उसके लिए हम लोग अवमानना में है। अभी सरकार ने हमारी आधी मांग मानी है, आधी लड़ाई हमारी बाकी है, जो लड़ाई अब सड़कों से लेकर कोर्टों में है, सड़कों पर भी उतरेगा। क्योंकि हमें एक बहुत हर्ष है कि हम लोगों ने सरकार को 2 कदम पीछे खदेड़ा है इस मामले में, जो सरकार इतनी जिद्दी है। आप लोग देखते हैं शिक्षकों की मांग कितनी मांग की, आधी मांगे पूर्ण हो गई है, तो बाकी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आधी मांगे जो हमारी बाकी नामांकन वाला पूरा हुआ, जो अनुदान के लिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जितने भी अनुदानित महाविद्यालय हैं जिनका 2014 से अनुदान बाकी है सबको एक मुश्त दिया जाए, क्योंकि आप परीक्षा फल के आधार पर ही हमें एड देते हैं और परीक्षा फल 2023 तक निकल चुका है, तो हमारा अनुदान 14 से लेकर 23 अगर जोड़ेंगे तो लगभग 8-9 साल का अनुदान बाकी हो जाएगा। और ऐसे में हमारे मित्रहित कर्मी भुखमरी का गार्फ है, कितने का देहांत हो गया, कितने का बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा, बहुत संकट से गुजर रहे हैं, और ऐसे में 2 साल महाविद्यालय बंद कर देना उनको और भूखे मार दिया। ये सरकार की जो तुगलकी फरमान थी, जिस फरमान को हाईकोर्ट ने रद्द किया है, मैं हाईकोर्ट के इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का, जिन्होंने हम लोगों की आवाज़ को सुनी, हमारे दर्द और पीड़ा को समझा और हमें न्याय दिया। अब सरकार से हमारी मांग है कि जो हमारी आधी शर्त पूरी हो चुकी है, आधी जो भी बाकी है शर्त को पूरा करे। और मैं और ये आपके प्रेस के माध्यम से घोषणा करता हूँ, इस महाविद्यालय में 384 साइंस, 384 आर्ट्स और 384 कॉमर्स का नामांकन सोमवार से प्रारंभ होगा। बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को संदेश हम ये देना चाहेंगे कि पूर्व में जो हुआ सो हुआ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ कि बिहार में क्या हो रहा है। मैं जिस बच्चे का नामांकन लूंगा उसका शपथ पत्र लूंगा साथ में कि बच्चे को यहाँ आकर क्लास करना होगा, उन्हीं छात्रों का हम नामांकन लेंगे, जो हमारे शपथ पत्र भरेंगे वही बच्चे हमारे यहाँ नामांकित होंगे और रेगुलर क्लास चलाना हमारा प्रथम प्राथमिकता होगी। सर आपका परिचय? प्रोफेसर परवेज आलम, सचिव प्रबंधन समिति गुलाबी कॉलेज, और ये हमारे रुहलबीन साहब है, रुहलबीन खान साहब ये हमारे प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, ये सरजील खां हैं उसके सदस्य हैं।
और ये बड़ा गैरुल हक है, ये भी सदस्य है समिति के।